The film industry is abuzz with the Tanushree Dutta's sexual allegation on Nana Patekar. After industry veterans and heartthrob, now seniors actor Kay Kay Menon, Vivek Oberoi and Omung, Kumar were seen taking a stand against sexual harassment. I can speak of it as a principle because I've not gotten the details of that case. I don't know. Nor am I the judiciary, so I can't really comment. But all I can say is that any kind of harassment needs to be looked into very, very seriously. That's all I can say. Vivek Oberoi said, मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, कहीं भी हो, चाहे फिल्म का स्पेस हो, या चाहे ऑफिस की स्पेस हो, या चाहे जर्नलिज्म की ऑफिस हो, हमें हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी जो औरतें हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्हें सुरक्षित, महफूज फील कराना ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली एज मैन बट एज अ सोसाइटी, एक समाज के तौर पर भी ये हमारी जिम्मेदारी है. तो चाहे वो हमारी इंडस्ट्री हो या चाहे वो आपकी इंडस्ट्री हो, लेडीज़ को एक रिस्पेक्ट और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है. मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिपेंडेंस मिल गई हमको, 70 साल हो गए, लेकिन इस देश में इतनी सारी औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, जिनको अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिली. और ये जो कोई भी बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे कोई कितना भी बढ़िया हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, मुझे लगता है कि वो पावर, वो मकाम को गलत इस्तेमाल करना, उसका उस पावर का शोषण करने के लिए इस्तेमाल करना, किसी पे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करना, लॉबीज़म और ये जो चलता है, लोगों के ऊपर प्रेशर डालना, काम से निकलवा देना, ये कर देना, ये सब अब हट जाना चाहिए. आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है, कभी कभी एक पर्ज होता है ना, जैसे मीटू में हुआ है, एक पर्ज हुआ है कि सिस्टम साफ हो गया वहाँ पे. मुझे भी लगता है कि हमारे यहाँ भी, सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हर बिजनेस में, हर फील्ड में ये पर्ज होना ज़रूरी है. अब हम बॉलीवुड की बात करते हैं, लेकिन यही चीज़ हम जब अपने दोस्तों से बात करते हैं जो जर्नलिज्म में है, मीडिया में है, उनसे भी हमें यही बात सुनने को मिलती है. स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी में है तो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में भी लोग हमसे यही बात करते हैं. जब मैं बड़े बड़े जो सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे बात करता हूँ तो वो भी अपनी स्ट्रगल के बारे में बताते हैं. तो ये जो अब्यूज़ ऑफ पावर है, इसे तो बिल्कुल ही मना कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए और रेपरकशन होना चाहिए. फिल्म मेकर ओमंग कुमार सेड, इट्स टाइम फॉर अ चेंज. और जैसे कि इन्होंने कहा है कि सब लोग सामने आएंगे तो बेटर होगा, यू नो मी टू का ज़माना है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, गट्स करके कोई बाहर आता है तो सपोर्ट करो उसे. एंड जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, भले हमारी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में. हम देख चुके हैं पहले एंड यू नो कहीं ना कहीं सुन चुके हैं, चुप बैठे हैं और पहली बार कोई आया है सामने तो उनको सपोर्ट करो. अबाउट द सेम, नाना हैड लास्ट वीक डिसमिस्ड तनुश्री क्लेम, व्हाइल विवेक अग्निहोत्री हैज सेड शी इज पुलिंग ऑफ अ पब्लिसिटी स्टंट.